नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से पेंट घर पे कराना चाहिए, पेंटिंग कराते वक्त उसमें क्या क्या सामान लगता है और घर पे कौन कौन से कलर लगाएं। तो इन सब के विषय में हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। उसके अलावा ये भी बताएंगे कि क्या क्या सामान के क्या क्या रेट आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें घर पे कौन सा पेंट करवाना चाहिए। तो घर के अंदर जब भी आप करवाएं तो कोशिश करें कि हमेशा लाइट कलर का पेंट करवाएं। लाइट कलर के पेंट करवाने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे कि आपका घर हमेशा रोशनी में रहेगा, हमेशा घर आपका शाइन करेगा। और अगर आपके यहाँ लाइट नहीं भी है या इनकेस उस कमरे में अंधेरा है तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही उजाला रहेगा। तो जब भी आप करवाएं तो हमेशा कोशिश करें कि लाइट कलर का ही पेंट अपने घर पे करवाएं, ना कि डार्क कलर का। तो ये हुई सबसे इम्पोर्टेंट बात। इसके अलावा दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाइए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको समय पर मिलती रहे। इसके अलावा अब हम आपसे एक एक करके बात करेंगे कि पेंट करवाने में हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, हमने सारे तरीके के ब्रशेस बताए हैं। सबसे पहले आप जब भी अपना घर पेंट घर पे प्लास्टर करवाएं तो सबसे पहले वाइट सीमेंट से आप पेंट जरूर करवा लें। वाइट सीमेंट का क्या फ़ायदा होता है कि जो भी आपकी सीमेंट लगी हुई है आपके घर पे वो अच्छे से चिपक जाती है और आपकी दीवार हमेशा लाइफ टाइम शाइनिंग करती है। तो अगर आपने को अब कुछ दिन बाद रहना है, शुरुआत में आपको नहीं रहना है, तो आप सिर्फ वाइट सीमेंट करवा के छोड़ सकते हैं। वाइट सीमेंट कराने के बाद आप तराई कर सकते हैं, इससे आपके घर में अच्छी शाइनिंग रहेगी। और आप पेंट नहीं भी करवाते हैं तब भी आपका बहुत ही कम पैसे में हो जाएगा। यानी एक कमरे को मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1200 रुपये में आपका पूरा वाइट सीमेंट लेबर चार्ज के सहित लग सकता है। उसके बाद बात करते हैं वाइट पुट्टी की। जब आप पेंट कराते हैं, इन फ्यूचर आपको अगर चाहते हैं कि आप कंप्लीट करवाएं तो आप उसमें पुट्टी लगवा सकते हैं। पुट्टी की 2 कोटें लगती हैं। अगर आपके घर में वो एरिया है जहाँ पर सीलन बहुत ज़्यादा आती है तो वहाँ पर आप जो भी पुट्टी लगवाएं वो वाटरप्रूफ पुट्टी लगवाएं। पुट्टी लगवाने से सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि आपकी दीवार बहुत ही स्मूथ और चिकनी होगी। अगर आप प्लास्टिक पेंट या ऑयल पेंट करवाना चाहते हैं तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। पुट्टी का जो रेट है वो आपको को एक कमरे के लिए लगभग 20 से 25 रुपए स्क्वायर फीट आपका पुट्टी का रेट आता है, 20 से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट। इसमें आपको पुट्टी का चार्ज, लेबर का चार्ज प्लस घिसाई, जो पुट्टी लगाने के बाद इसको वाटर पेपर से घिसाई की जाती है, उन दोनों का रेट इसमें इंक्लूड है। घिसाई करवाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी पेपर लगाए बटर पेपर वो बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी का लगवाए, यानी बहुत ही हार्श ना हो। तो वो आप ज़्यादातर 150 या 120 नंबर इन्हीं 2 साइज़ के पेपर का यूज़ करें। इससे क्या होगा कि आपकी दीवार बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगी और वो आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। जब भी ये करवाएं आप पुट्टी करवाने के बाद, हमेशा अपनी दीवार पे प्राइमर ज़रूर करवाएं। प्राइमर का कुछ फ़ायदा होता है कि प्राइमर सस्ता पड़ता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये प्राइमर आपका पेंट कम सोखता है। पुट्टी लगवाते वक्त आपको ये जो पत्ती आपको मैं दिखा रहा हूँ ये कई साइजेस में आती है, तो इन्हीं पत्तियों के से पुट्टी लगाई जाती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि पुट्टी आपकी वेस्ट नहीं जाती और ये चिकनाहट लाती है। जब भी आप प्राइमर करवाएं दीवालों पे ध्यान रखिएगा ब्रांडेड प्राइमर ही करवाएं। ब्रांडेड प्राइमर से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपका पेंट कम सूखेगा। जब पेंट कम, क्योंकि पुट्टी की प्राइमर की कॉस्ट ज़्यादातर 50 से 60 रुपये पर लीटर होती है, जबकि पेंट वहीं 300 से 400 रुपये लीटर तक अच्छी क्वालिटी का मिलता है। नॉर्मली आप लेते तो आपको 150 से 200 रुपये में अच्छा मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ब्रांडेड की बात करते हैं कि आपको प्लास्टिक पेंट चाहिए तो वो आपको इस रेट में मिल जाता है। ठीक है, ये जो तीनों पत्तियाँ दिखा रहा हूँ ये आपको 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये में, यानी 3 इंची, 6 इंची और 4 इंची, ये 3 साइज की आती है, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगी। पेंट का जो रेट होता है, पेंट का आप मान के चलिए आपको हमेशा लाइटर कलर 3 दीवार पे करवाइए और 1 दीवार पे डार्क कलर करवाइए, तो उससे आपका लुक अच्छा आ जाएगा कंट्रास्ट का। ये जो आपको को करना दिख रहा है ये भी पेंट लगाने में ही पुट्टी लगाने में ही काम आता है, तो इन्हीं से हम पुट्टी लगा दें। इससे क्या होता है दीवार पे स्मूथली हम पुट्टी को जब लिक्विड फॉर्म में लगाते हैं तो इस तरीके करके हम इसे लगाते हैं। ये आपको मार्केट में 30 से 35 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। ये पत्ती हो गई, पेंट हो गया और पट्टी, मैंने इन सब के विषय में आपको इन्फॉर्मेशन दी। अब मैं आपको ब्रशेस के विषय में बताऊंगा कि कौन कौन से ब्रश आते हैं और उनकी क्या क्या कॉस्ट होती है।
और कौन से ब्रश किस काम में आते हैं इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो ये 1 इंच का ब्रश है, ये ज़्यादातर जो किनारे की पट्टी होती है, आपके लोहे के एंगल या दरवाजे होते हैं उनके काम आता है, क्योंकि ये बहुत पतला होता है, तो जब आप एंगल पे प्राइमर वगैरह लगाते हैं तो वहाँ ये 1 इंच का पेंट का ब्रश लगता है। ये 10 रुपये का आता है। 2 इंच का भी आपका दरवाजा वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और ये 3 इंच का है। 2 इंच का आपको 20 रुपये का मिलता है, 3 इंच का 30 रुपये का, और ये 4 इंच का है। तो ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। 4 इंच का आपको 50 रुपये से 100 रुपये में अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। डिपेंड करता है कि किस ब्रिसल्स का ले रहे हैं, आपके ब्रिसल्स की क्वालिटी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड होता है। ये चारों तरीके के ब्रिसल्स मिलते हैं आपको। तो अगर आप वॉल वगैरह पेंट करना चाहते हैं तो 4 इंच का यूज़ कीजिए, और नॉर्मली कहीं और यूज़ करना चाहते हैं तो 3 इंच का यूज़ कीजिए। अगर आप ओवरऑल टोटल कॉस्ट निकालते हैं आप कि आपका लेबर कॉस्ट, प्राइमर, पुट्टी, पेंट और वाइट सीमेंट, ये सारी चीज़ें मिला के आपकी एक वॉल 1 स्क्वायर फीट का क्या रेट लगेगा, तो आप मान के चलिए 15 रुपये स्क्वायर फीट आपको टोटल खर्च आता है तो यानी 1 गज यानी 1 स्क्वायर यार्ड का 15 × 9 कर सकते हैं आप, तो यानी 90 रुपये आपका 1 यार्ड का लगता है। ये देखिए, ये जो कलम ब्रशेस है, ये कलम ब्रशेस ज़्यादातर आपको वहाँ पर लगाए जाते हैं जहाँ आपको डिज़ाइन या पेंटिंग का काम करते हैं। जब आप घर पे किसी वॉल सीलिंग छतों पे आप डिज़ाइन बनवाते हैं POP की, तो वहाँ पर इसको हम लगाते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी डिज़ाइनें बहुत ही बारीक और सुंदर बनती हैं। ये भी ब्रशेस आपको 10, 20 और 30 रुपये में अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। ये आपका रोलर है, रोलर जब आप पेंट करवाते हैं तो हमेशा रोलर से पेंट करवाएं। इससे क्या होगा कि ब्रशेस की डिज़ाइन का जो मार्क है वो नहीं आता है, ये रोलर ट्रे है। तो जब आप इसमें पेंट गिराते हैं और इसमें इस तरीके से इसको आप लगाते हैं, तो जब आप रोलर और रोलर ट्रे यूज़ करें तो हमेशा कोशिश करिए कि अच्छी क्वालिटी का पेंट यूज़ कीजिए, ताकि पेंट का कोई भी ब्रश के कोई भी निशान आपके पेंट पे ना आए। ऐसे आप पेंट इसमें गिराया और इसको रोलर के थ्रू लगा दिया। ये थी हमारी सारी डिटेल। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे बेल आइकन को दबाइए, और हमारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।